नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोले पीएम मोदी, खुद के साथ दुनिया की जरूरत पूरी करने के लिए है आत्मनिर्भर भारत अभियान। लाल किला हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 20 और लोगों की तस्वीरें की जारी। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा में थे कथित रूप से शामिल। महाराष्ट्र में किसान महापंचायत के लिए इजाजत नहीं मिलने पर बोले राकेश टिकैत, कोविड के कारण महाराष्ट्र के कुछ शहरों में लगाई गई धारा 144, इसलिए अधिकारियों ने नहीं दी इजाजत, नहीं जाएंगे महाराष्ट्र। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने नीति आयोग की बैठक में उठाया SYL व हांसी बुटाना लिंक नहर मामले के शीघ्र हल का मुद्दा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के किसानों से दोबारा बातचीत करने के बयान पर बोले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्र ने पहले भी संशोधन के तौर पर अधिकतर बातें मानी हैं और आने वाले दिनों में बातचीत होती है तो मामले का हल निकलेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, बोले किसानों का आंदोलन चल चुका है बहुत लंबा, इसलिए सरकार को भी चाहिए कि किसानों की बात मानकर निकाले समाधान। टूलकिट मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत अर्जी पर आदेश मंगलवार तक रखा सुरक्षित। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले में अचानक हुई बढ़ोतरी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को जारी की चेतावनी। कैटरीना कैफ की बहन इसाबेला कैफ का जल्द होगा बॉलीवुड डेब्यू, फिल्म सुस्वागत खुशामद्दीन में नजर आएंगी, अगले महीने होगी फिल्म रिलीज। आरसीबी फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2021 के लिए मैक्सवेल व जेमिसन जैसे दिग्गजों को खरीदा, खिलाड़ियों को लेकर कप्तान विराट कोहली ने कहा इन खिलाड़ियों की टीम में आने से हूँ खुश।